हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपर 8। बहुत ही खुशी का माहौल है, छुट्टियां पड़ चुकी हैं, मुबारक दिन आ रहे हैं और आपका अपना स्टडी चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा है। केवल ये आप लोगों की ही बदौलत है, आप लोगों के द्वारा इतने लाइक्स और कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि यूट्यूब भी मजबूर हो चुका है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट कर रहा है। देखिए, ये आप लोगों की अचीवमेंट है। जितने लोग इस चैनल से जुड़ेंगे उतने ही उत्साह के साथ मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और जिक्के क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सेंट्रल लेवल पर भी टेस्ट जो है SSC का है, RRB के हैं, ये जो आ रहे हैं इनको देखते हुए ही मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं। और साथ के साथ जो आपके राज्य हरियाणा में CET मेंस और ग्रुप डी की भर्तियां चल रही हैं उसको देखकर भी मैं ये जो है टेस्ट सीरीज, ये जो हमारे क्वेश्चन सीरीज है, ये मैं लेकर के आता हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक बार पढ़कर तो देखिए, मन लगाकर पढ़िए। बहुत ज्यादा गर्मी है और पंखा चला नहीं सकते क्योंकि फैन ऑन करते ही उसकी आवाज वीडियो में आती है, तो इसलिए फैन ऑफ करके ही वीडियो बनानी पड़ती है। और पसीना पूछने के लिए मैंने अपना जो है, जिसे गमछा बोलते हैं, तौलिया, ये लिया है। तो डोंट माइंड, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना, हम नहीं देखते ये सब चीजें कि छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान कौन बना है। इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट में जो है सबसे युवा कप्तान पूछ रहा है कौन बना है, तो रशीद खान बने हैं। 19 साल के हैं ये, रशीद खान 19 साल के हैं और अफगानिस्तान के हैं और ये सबसे युवा कप्तान बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम के। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 105 विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था। 105 नंबर की जो विज्ञान कांग्रेस हुई है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन 16 मार्च को हुआ था और मणिपुर के इम्फाल शहर में हुआ था। 16 मार्च को जो है 105वीं विज्ञान कांग्रेस का जो है शुरुआत हुई और ये जो है 16 मार्च को मणिपुर के इम्फाल शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पाद में भारत का विश्व में कितना स्थान है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विद्युत उत्पादन में विश्व में कितना स्थान है, तो स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा देश विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विद्युत उत्पन्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के महानदी जल विवाद के अध्यक्ष थे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी के जल को लेकर के विवाद चल रहा था और उस विवाद को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी, एक आयोग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष थे, कौन थे, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, ये उनका नाम है जो इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह ग्राम पंचायत जिसे देश की श्रेष्ठ पंचायत चुना गया है,
वह ग्राम पंचायत कौन सी है जिसे पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुना गया है? तो वो है पश्चिम बंगाल राज्य का एक गांव है दिम्बरपुर, और उसकी पंचायत को जो है देश में सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के महा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है मा, और इसका एक ही उद्देश्य है कि स्तनपान को जो है बढ़ावा देना, कि भाई माता जो है अपने बच्चे को अपना दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाए, इसको बढ़ावा देना जो है इस केंद्रीय मंत्रालय का मेन उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CHOGM 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो COGM 2018 का भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर भाई क्या देख रहे हो भाई, लाइक का बटन है राइट साइड में, देखिए थोड़ा सा आप कष्ट किया करो, एक ऐसा बटन आपको मिलेगा ठीक है, और उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको ऐसे क्लिक करना है और ये ऐसे ऐसे नाचेगा और कलरफुल होगा और ब्लैक हो जाएगा, तो आपको भी अच्छा लगता है ये साइन है ना, तो इसलिए इसको दबा दिया करो। इसको दबाओगे तो ये जो पसीने में गर्मी में जो वीडियो बनाई जा रही है ना, ये गर्मी में भी ठंडक का एहसास लेकर के आती है, तो आप ये बात मेरी ध्यान से सुना करो कि इस पर अमल करो ठीक है, इसको जो लाइक का बटन है इसको दबाया करो। और अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर, नए नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको ज्ञान गंगा मिलेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई मैराथन जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? एशियाई मैराथन जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है पूछा गया है, तो गोपी थोनाकल जो है एशियाई मैराथन जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं गोपी थोनाकल। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 34 वर्षीय वंडर गर्ल मैरी कॉम किस राज्य से है? 34 वर्षीय वंडर गर्ल मैरी कॉम, अब ये 36-37 की हो चुकी होंगी, तो इनके विषय में पूछा है कि ये मैरी कॉम जो है ये किस राज्य से है? मणिपुर से है जी, मणिपुर राज्य से है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, 15वें वित्त आयोग की संतुतियां प्रभावी होंगी, 15वें वित्त आयोग की जो संतुतियां हैं, जो उसके जो प्रावधान है वो कब से प्रभावी होंगे, कब से कब तक प्रभावी होंगे, तो पूछ रहा है, तो ये आंसर है 2020 से 2025 तक, 2020 से 2025 तक जो है इसकी संतुतियां प्रभावी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरविंद केजरीवाल पर बनी चर्चित फिल्म का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं ये अरविंद केजरीवाल, और इनके ऊपर बनी एक फिल्म है, चर्चित फिल्म है, इसका नाम क्या है? एन इनसिग्निफिकेंट मैन के नाम से ये फिल्म बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 37 वर्ष बाद राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले मुगाम्बे किस देश से संबंधित हैं? 37 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र भी क्यों दिया, क्योंकि वहां पर सैनिक विद्रोह हो गया था, सैनिक उब गए थे कि राष्ट्रपति को इतने लंबे समय तक पद पर देखते देखते, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, कुछ उनके नीतियों के खिलाफ भी सैनिकों ने विद्रोह किया, और वो जिम्बाब्वे के हैं, कहां के, जिम्बाब्वे के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, लाइक कमेंट शेयर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, 100% सौर ऊर्जा संचालित प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बताना है, तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है ये बताना है, तो वो दीव है, कौन सा है, दीव है, दीव केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव है ना, तो
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किस भारतीय को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व चुना गया है। तो प्रतिनिधि चुना गया है एक भारतीय को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का एक प्रतिनिधि चुना गया है, तो वो कौन है? जे एस राजपूत को चुना गया है जी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये आपकी लाइफ में काम आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकिस्तान में पहली अल्पसंख्यक महिला सांसद बनी है। एक अल्पसंख्यक महिला है, वो सांसद बनी है पहली बार पाकिस्तान में, तो उसका नाम है कृष्णा कुमारी। क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम कैशलेस द्वीप कौन सा है? करंग द्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम क्या है? इसका नाम है मार्क 3। क्या नाम है? मार्क 3। तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका नाम है मार्क 3। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18, स्मारक मित्रा परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? स्मारक मित्रा परियोजना जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू की है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है स्मारक मित्रा नाम से एक परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नासा ने मंगल पर जो लैंडर भेजा है उसका नाम क्या है? नासा ने मंगल ग्रह पर जो लैंडर को भेजा है, जिस लैंडर को भेजा है उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है इनसाइट। क्या नाम है? इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेविस कप 2017 का विजेता और उप विजेता कौन से देश हैं? तो डेविस विश्व कप हुआ 2017 में, इसके विजेता और उप विजेता देश पूछ रहा है, तो वो हैं बेल्जियम और फ्रांस। कौन है? फ्रांस और बेल्जियम। फ्रांस तो रहे हैं विजेता और बेल्जियम रहे हैं उप विजेता। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वां वित्त आयोग यहाँ कहीं पूछा हुआ है, 15वें वित्त आयोग के विषय में ये रहा, 15वां वित्त आयोग की संतुतियां पूछा है, तो ये जो है 2020 से 25 तक लागू होंगी, और 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो पूछा कौन है, तो NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत बांग्लादेश के बीच रेल से योजना का नाम क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच में जो रेल योजना चली है, जो रेल का संचालन किया जा रहा है, उस योजना का नाम है बंधन एक्सप्रेस। क्या नाम है? बंधन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2017 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2017 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है ये पूछ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2017 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या कह रहा है, डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL द्वारा भारत में कहां अपना संयंत्र बनाया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL के द्वारा भारत में कहां अपना संयंत्र बनाया गया है, तो वो है महाराष्ट्र के नागपुर में जो है ये संयंत्र बनाया गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं इस वीडियो में, और आप ये न सोचे कि मैं दूसरी वीडियो के साथ अपनी और भी अलग अलग वीडियो को अटैच कर देता हूं तो आपका टाइम जाया नहीं करता, मैं आपको रिपीट करवाता हूं ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो जितना अभ्यास करोगे उतने ही आप सुज्ञान बनेंगे, सुज्ञान। तो इसलिए जो है आप अपनी स्टडी पर फोकस रखते रहिए। जून का महीना है, इसको खराब मत जाने दीजिए। एग्जाम का दौर शुरू हो चुका है, एग्जाम पर एग्जाम आ रहे हैं, अतः इनसे हटकर मत सोचिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, घूम कर आए आप, थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ बैठे उनके साथ बातचीत कीजिए और अपनी स्टडी पर भी पूरा फोकस कीजिए। आप लोग वैसे तो बड़े समझदार हैं, क्यों? क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही पता चलता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे सभी, और इसीलिए जो है मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े हैं। ये आपके लिए भी उत्कृष्ट है और ये मेरे लिए भी परम उत्कृष्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ देखिए, आप लोगों को अपने जीके नॉलेज को बहुत ही अच्छे से बढ़ाने की आवश्यकता है। करंट अफेयर को बढ़ाइए, रीजनिंग को बढ़ाइए, जीके को बढ़ाइए। नेशनल जीके है, स्टेट जीके है, इंटरनेशनल जीके है, अर्थमेटिक है, और फिर उसके साथ साथ जो आपका सांस्कृतिक क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखने हैं, जो स्टेट जीके और नेशनल जीके में आते हैं। जैसे कि पूछ लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा हाथ में पहना जाने वाला कंगन क्या कहलाता है, तो वो कड़ा कहलाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक जो है पुरुषों के द्वारा हाथ पर बांधा जाने वाला आभूषण क्या होता है, वो क्या होता है, बाजूबंद होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं, और ये भी मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूं आप लोगों की हेल्प के लिए। अतः आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से करते हुए आगे बढ़े। एक और बात है आप लोगों से, आप मुझे कमेंट करके ये भी बताते रहें कि आपको नेक्स्ट टाइम कौन सी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे, अतः आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के द्वारा। और जो पिछली वीडियो में जिन्होंने जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए हैं, जल्द से जल्द जवाब दिए हैं, उनके नाम मैं एक बार बता देता हूं। तो नाम है उनके जिन्होंने पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के जल्द से जल्द जवाब दिए हैं। किसी ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब दिए हैं, तो किसी ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं। तो देखिए, पहला नाम है मुकेश कुमार, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है जी आपने, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से आगे पढ़ते रहे और सक्सेस आपके कदमों में हो। फिर है निरंजन, है निरंजन लाल जी हैं, बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं और बड़े ही तेज तर्रार स्टूडेंट भी हैं ये। और फिर इसके बाद भावना है, भावना जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। काजल है, काजल राव के द्वारा भी बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए जा रहे हैं। पंकज शर्मा के द्वारा भी जवाब दिए गए हैं। और फिर इसके बाद है मोहित चावला ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। और फिर है प्रियांशी जी ने भी जवाब दिए हैं, बहुत ही बहुत मुबारक हो आप सबको। और फिर अनिल कुमार जी हैं, और अनिल कुमार जी के बाद भारत हरित हैं, ये झज्जर से हैं, बहुत ही तुरंत जवाब दे देते हैं, बहुत ही जल्दी से जवाब देते हैं। और फिर आगे हमारे जो नाम हैं वो है महाभारत के नाम से जो है इनका एड्रेस आता है, तो महाभारत ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। पंकज जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं। और फिर जतिन हैं, हाँ जतिन, आपका नाम हर वीडियो में आता है, तो जतिन ने भी जवाब दिए हैं। और फिर नितिन का नाम भी हर वीडियो में आता है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और इन्होंने भी बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। फिर इसके बाद हनी के द्वारा भी बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। हितेश
हितेश एक नहीं दो नाम है और दोनों ने ही सही टाइम पर एक ही साथ जवाब दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर सूर्य की तरह चमके, इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। इतने बढ़िया प्रश्न लेकर के आया हूं, आप भी कहेंगे वाह सर वाह। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले जो सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम हुए हैं, जैसे रेलवे के हैं या डाक रेलवे के हैं, इंजीनियर्स के हैं, या फिर क्लर्क्स के हैं, या आर्मी के हैं, और हरियाणा जो एग्जाम होते हैं हरियाणा बोर्ड में, हरियाणा स्टेट में, उससे भी जो है क्वेश्चन ये लिए गए हैं। एक से एक बढ़ करके प्रश्न लेकर के आया हूं, आप जरा एक बार पढ़कर तो देखिए इनको, और ये ऐसे प्रश्न हैं आपको याद भी हो जाएंगे, लेकिन जो बोर्ड इनके ऑप्शन देता है वहां पेज फंस जाता है। तो ध्यान दीजिए एक एक प्रश्न पर, बिल्कुल आराम से हम अच्छे से इस वीडियो को जो है कवर करेंगे। अगर ये प्रश्न आपको याद हो जाते हैं तो आपका एक से दो नंबर हर एग्जाम में कन्फर्म हो जाता है। तो तैयार कीजिए अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एकदम टिप टॉप कीजिए, फास्ट कीजिए उसको, थोड़ा सा ध्यान लगाया करें, सुबह शाम अपने आप को महसूस करें आंखें बंद करके, और आसपास आपके जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आवाजें आ रही हैं, उनको इग्नोर करते हुए केवल अपने अंदर ही सीमित रहें, और इस तरह से आप अपनी जो ब्रेन है, इसके जो डेड वाला हिस्सा है उसको आप जागृत कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था ये पूछा है, तो इसका आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने शुरू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, नवाबों से संबंधित है, अंग्रेजों से संबंधित है। देखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी, और वो संधि क्या थी? अलीनगर की संधि। कौन सी संधि थी? अलीनगर की संधि हुई थी। जब सिराजुद्दौला को हराया गया था अंग्रेजों के द्वारा अन्य शासकों के साथ मिलकर के, इसके पड़ोसी शासक जो है इनके साथ मिले हुए थे, और सिराजुद्दौला को मिलकर के सबने हराया था, और फिर अपने कठपुतली शासक को जो है अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसे जाना जाता है? तो इसको कोकिला भी कहा जाता है, बड़ी ही मधुर आवाज है इनकी, और ये है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर फोर है, जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों किसान और आम लोग जो है मारे गए थे, और यहां पर ये पूछा गया है कि ये लोग आखिर इस मैदान में जमा ही क्यों हुए थे, और जनरल डायर ने आकर के इन पर अंधाधुंध जो है फायरिंग की थी, और वो एक ऐसी चार दीवारी में था कि जहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता था, तो सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। तो यहां पर पूछा गया है कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, उनके लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी और उनके विरोध में जो है वो लोग वहां इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में एक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष पूछा है कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो पर्सन बड़ा ही गजब का पर्सन है, देखिए क्या कह रहा है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की थी, तो ये पूछा है। और कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी 1929 में। कहां अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वह कब लड़ा गया था। बहुत ही सरल लैंग्वेज में प्रश्न पूछा गया है, जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वह कब लड़ा गया था। दूसरे युद्ध में मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था, दूसरे युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी, तो 4 युद्ध हुए थे और चौथे युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है ये योद्धा, लहू लोहान होने के बाद भी ये लड़ता रहा, लेकिन क्या करे 1799 में ये युद्ध हुआ था जिसमें वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस में पूछा है प्रथम विभाजन पूछा है प्रथम विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में ये पूछा है, तो देखिए सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था कब, 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में वहां कांग्रेस का विभाजन हो गया था, फूट पड़ गई थी कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी पूछ रहा है, तो आंसर है रास बिहारी घोष ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट अंग्रेजों को क्यों कहा, तो दादा भाई नौरोजी ने एक बार अंग्रेजों को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, एक्चुअल में अंग्रेजों की जगह अंग्रेजों की नीति को उन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भारतीय संपत्ति का, भारतीय धन का निकास किया जा रहा था, अंग्रेज उस समय हमारे देश के संसाधनों का दोहन कर रहे थे, सस्ते दाम पर माल को ले जा करके महंगे दाम पर हमारे यहाँ आकर के बेचते थे, हमारी धन संपदा जो थी उसको अपने देश ले जा रहे थे, यहाँ तक कि वो हर प्रकार के संसाधनों को अपने देश के लिए यूज करते थे, तो इसलिए दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है उनकी नीति को। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहा है, तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष पूछा है कौन रहा है, तो वो है अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किए बगैर जाने न दे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, तो आगे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों के साथ देखिए सीरीज को हम आगे जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है, वाओ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है, तो वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है ये बताना है, तो इसका आंसर है 17, यानी कि 17, कितने 17। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अमर्त्य सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी। अमर्त्य सेन के नाम से हमारे जो हरियाणा में रोहतक है, रोहतक में पीजीआई जो खुला है, पंडित भगवतदयाल जो विज्ञान आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसमें एक ब्रांच नई बनाई गई और उसका नाम रखा गया डॉक्टर अमृत सेन। तो देखिए अमृत सेन ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अमृत सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी संस्था भारतीय आय का अनुमान लगाती है। तो कौन सी संस्था है जो भारतीय आय का अनुमान लगाती है, तो वो है CSO। क्या है? CSO। तो CSO नामक संस्था है, ये सेंट्रल लेवल की संस्था है और ये जो है भारतीय आय का अनुमान लगाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम क्या पूछा है, भारत में ये योजना जो है, ये कार्यक्रम सबसे पहले तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी। गरीबों के जो है, बहुत ज्यादा गरीब है जो भोजन नहीं अपना जुटा पा रहे थे, उनको जो है अम्मा की रसोई के नाम से जो है वो तो खाना खिलाया जाता था फ्री में, जयललिता जी की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए इसी तरह से अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध है गरीबों में भी निम्न गरीबों का उत्थान, गरीबों में भी निम्न गरीबों का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध किससे है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध किससे है? काले धन से। 2016 याद है ना, 2016 में क्या हुआ था देख लीजिए, नोटबंदी हुई थी, बातें चल रही थी काला धन आएगा, ये होगा वो होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध है किससे? काले धन से। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य। तो भारत में पंचायती राज, पंचायत स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान ने सबसे पहले भारत में पंचायती राज को शुरू किया था। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।